बीते दिवस सागर जिले के खुरई में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गलत धाराएं लगाकर केस बनाए गए थे, जिसके विरोध में शुक्रवार को इंदौर से सागर आ रहे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया एवं उनके काफिले को राहतगढ़ के पास ग्राम एरन में पुलिस द्वारा रोड पर ट्रक लगाकर रोका गया। इसके पश्चात राहतगढ़ से लगभग 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एवं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के साथ लगभग 2 घंटे चक्का जाम करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद में बलपूर्वक लाठीचार्ज करके पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर राहतगढ़ थाने लाकर खुली जेल में बंद कर दिया। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।